चैनल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। बहुत दिनों बाद मैं ऐसे किचन से व्लॉग शुरू कर रही हूँ, वो भी कैमरे के सामने बात करते हुए। नॉर्मली तो आजकल मैं वॉइस ओवर ही ज़्यादा देती हूँ, क्योंकि उमा के साथ बहुत सारे काम भी होते हैं मुझे, और वो ना बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती है कभी कभी, तो मैं चाहती हूँ कि वो नॉइज़ वगैरह ना आए। तो इसीलिए मैं अभी कोशिश करती हूँ कि मैं शूट कर लूँ, उसके बाद मैं वॉइस ओवर दे देती हूँ। नहीं तो पहले मेरे जितने भी व्लॉग्स आते थे उसमें तो मैं उतना वॉइस ओवर नहीं देती थी। सो आज ना मैं आपके साथ दो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो मेरे चैनल पे मैंने कभी नहीं दिखाया। नॉर्मल जो मैं आज खाना बना रही हूँ वो सारी रेसिपी मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, बस वो दो। आज वैसे मैं राइस, फिर उसके साथ फिश करी, जो पतला सा फिश करी मैं बनाती हूँ जो हम भी खाते हैं, और उमा को भी मैं वहीं से खिला देती हूँ, थोड़ा मिर्ची कम ऐड करके। वो तो मैंने कई बार दिखाया है तो इसलिए वो रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। आज मैं नीम बेगून बना रही हूँ जो कि ब्रिंजल एंड नीम के पत्ते के साथ बनता है, एक बंगाली डिश है वो, तो वो वाला मैं दिखाऊंगी। और वैसे मैं बता दूँ ये नीम बेगून जो है उतना टेस्टी नहीं होता, कड़वा होता है, लेकिन वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आजकल ना दुबई में बहुत ज़्यादा वायरल फीवर ये वगैरह हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वो नीम बेगून बना के थोड़ा सौरभ को भी खिलाऊँ, मैं भी खा लूँ। उमा तो नहीं खाएगी, हम दोनों खाते हैं, इससे इम्यूनिटी बूस्ट होता है। और सेकेंड मैं एक पनीर भुर्जी बनाने वाली हूँ, और ये जो पनीर है ना ये मैंने घर पे ही बनाया है, पनीर के शेप में तो नहीं है, आप इसको वो छेना कह सकते हो, तो वो मैंने छेना बना लिया था। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। डॉक्टर ने ना उमा को लो फैट मिल्क लेने के लिए बोला है, जो कि ये है, अलग अलग कंपनी का आता है, मैं पर्टिकुलर इस कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ, बस आपको कलर देख के पता चलेगा ये ऐसे रेड कैप में होता है। और सौरभ को पसंद है ये डबल क्रीम वाला, और बीच में और एक आता है ब्लू वाला, वो होता है फुल फैट, ये है डबल फैट, इसमें फैट और भी ज्यादा है, तो ये तो उमा को नहीं दे सकते, तो उसके लिए गिर रहा था अभी, तो उसके लिए मुझे यही लेना पड़ता है। तो ये वाला जो साइज है ना ये 1 लीटर का है, ये है 2 लीटर का, और इसका प्राइस डिफरेंस कितना है पता है? ये और ये इसका डबल होना चाहिए ना, लेकिन ये ऑलमोस्ट वही 7 दिरहम के करीब और ये 10 दिरहम, मतलब सिर्फ 3 दिरहम का डिफरेंस होता है। तो मैंने सौरभ से कहा है तुम ना अब से उमा के लिए ये बड़ा वाला कैन ही ले आया करो, और इसका एक एक्सपायरी डेट होता है यहाँ पे मेंशन, तो जब तक कि इसका एक्सपायरी रहता है मैं उमा को यही से दूध पिलाती हूँ, थोड़ा उसको एक ग्लास देना रहता है रोज, और बाकी का जो बच जाता है ना मैंने सोचा है अब से मैं इससे घर पे ही पनीर बना लूंगी। और हम जो महीने में एक पैकेट पनीर खरीदते थे वो नहीं खरीदेंगे, इसी से घर पे बना लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने ये जो छेना बनाया है ना इसका डबल क्वांटिटी में था, इसका आधा ऑलरेडी कल रात को ही हम लोगों ने खा लिया था, कल मैंने इसको बनाया था, तो थोड़ा सा ऊपर से शुगर डाल के ना वैसे ही खाने में अच्छा लगता है, तो सौरभ ने और मैंने कुछ कुछ खा लिया था। और ये है इसका, मैं अभी आज पनीर भुर्जी बनाऊंगी। पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सारी तैयारी करके रखी है, तो मैंने पहले ही दिखाया ये पनीर, और फिर यहाँ पे मैंने प्याज अदरक और लहसुन को ऐसे चॉप करके रखा है, यहाँ पर मैंने ये टोमेटो ऐसे कट करके रखा है, और यहाँ पे है ऐसे 2 टेबलस्पून दही, इसमें मैं कुछ कुछ मसाला मिक्स करके एक मसाला मिक्स बना लूँगी इस रेसिपी के लिए। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, ये पूरी रेसिपी में जितना भी नमक चाहिए होगा ना मैं अभी इसे ऐड कर रही हूँ, बाद में मैं इसमें और नमक नहीं ऐड करूँगी, थोड़ा सा ही पनीर है तो इसी से हो जाएगा। फिर मैंने इसमें ऐड किया ये हल्दी, रेड चिली पाउडर, सब कुछ मैं अंदाजे से डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा ही, और इसमें अब डलेगा बेसन, मैंने यहाँ पे करीब 1 टीस्पून बेसन डाला है, इसे ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। बस हमारा मसाला भी तैयार हो गया, अभी पनीर भुर्जी बनाते हैं। नॉर्मल पनीर की सब्जी तो हम लोग सब ही खाते हैं घर पे, लेकिन ऐसे पनीर भुर्जी बना के देखना बहुत अच्छा लगता है खाने में। मैंने यहाँ पे थोड़ा मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है, बस यही थोड़े से ऑयल में ये बन जाएगा। खाना बनाते बनाते मैं ऐसे चेक करती हूँ कि उमा क्या कर रही है, और मैंने यहाँ पे ये गेट नहीं लगाया अभी क्योंकि वो नहीं आएगी, वो मिस रिचल देख रही है। ये मिस रिचल तो लाइफ सेवर है, इसी को चला चला के मैं अपना काम करती हूँ।
वैसे तो उमा को हम लोग स्क्रीन उतना नहीं दिखाते थे पहले, और खाना खाते वक्त वो अभी भी नहीं देखती। खाना खाते वक्त मैं कुछ गाती हूँ या फिर कुछ इसको सुना के बहला के मैं खिला देती हूँ, लेकिन जब मैं काम करती हूँ ना, मुझे थोड़ा सा मिस रिचल चलाना पड़ता है। अभी अकेली हूँ, कोई नहीं है बच्चे को संभालने वाला, मैं क्या ही कर सकती हूँ। इधर ऑयल भी गर्म हो गया है, तो अभी मैं सबसे पहले ये ऑनियन पैक कर दूँगी। सब कहते हैं कि बच्चे को स्क्रीन नहीं दिखाना चाहिए बिल्कुल भी, और इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ, सच में नहीं दिखाना चाहिए। अगर आज घर पे कोई और एक होता जो उमा को थोड़ा सा पकड़ लेता जब मैं काम करती हूँ, तो मैं उसको ये स्क्रीन वगैरह नहीं दिखाती। वैसे मिस रिचल बहुत अच्छा चैनल है, मैं तो रिकमेंड करूँगी, क्योंकि अगर आप बच्चे को नर्सरी में डालते हो ना, वहाँ पे बच्चे को जैसे सिखाएंगे, ये चैनल बिल्कुल वैसा ही है। कुछ कार्टून वगैरह नहीं है इसमें। हल्का सा अनियन को सॉटे कर लिया, अभी मैं इसमें ये जिंजर गार्लिक भी ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो इसमें पेस्ट भी ऐड कर सकते हो, पर मैंने वह पेस्ट नहीं बनाया, थोड़ा सा चॉप ही कर लिया छोटा छोटा। वैसे सौरभ को ना ऐसे जिंजर गार्लिक चॉप करके कुछ भी रेसिपी बनाओ वो बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको हमेशा पेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि अगर जिंजर जो होता है ना वो मुँह में आ जाता है तो सौरभ को वो पसंद नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी मैं अपनी खुशी के लिए भी खाना बनाती हूँ, हमेशा थोड़ी ना सौरभ की पसंद का बनेगा, कभी कभी मेरे पसंद का भी तो बनना चाहिए ना। अनियंस, जिंजर, गार्लिक ये कोई 2-3 मिनट मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है मीडियम फ्लेम में। अभी मैं इसमें ये टमाटर ऐड कर रही हूँ। इस वाले मसाले की ना थोड़ा टेंडेंसी होता है कि नीचे से ये चिपक जाता है, और इसको थोड़ा सा ऐसे चला चला के पकाना पड़ता है। अगर आप इसको ऐसे चला के नहीं पकाओगे ना, तो होगा ये कि नीचे से ये पक जाएगा और ऊपर से कच्चा रह जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे चलाऊंगी, पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, यही 2-3 मिनट में ये मसाला पूरा पक जाएगा। वैसे भी क्वांटिटी बहुत कम है, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी रहेगा तो 5 मिनट करीब लग सकता है। मसाला अभी अच्छे से पक गया है, इसका देखिए कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से हल्का हल्का ऑयल भी रिलीज हो रहा है। थोड़ा और ऑयल इससे रिलीज हो सकता था, लेकिन मैंने बहुत ही कम ऑयल यूज़ किया है, तो और नहीं ऑयल रिलीज होगा। पर दही का भी अपना एक ऑयल होता है, इस वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल रिलीज हुआ है। जितना मैंने ऐड किया है ना, उसी हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा है वो दही की वजह से। अभी मैं इसमें वो पनीर ऐड कर दूँगी। ये थोड़े एक जगह हो गए हैं, इसको मैं तोड़ के इसमें ऐड करती तो और अच्छा रहता, पर कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही तोड़ लूंगी। बस इसको मिक्स करना है। मैंने तो इसको कल बना लिया था और ये ओवरनाइट फ्रिज में था, पर अगर आप घर पे छेना बनाते हो ना और बनाने के तुरंत बाद इसको बनाते हो, तो ये रेसिपी और भी अच्छा बनेगा। मतलब इस रेसिपी के लिए ना हमें वो जैसे छेना का जैसे टेक्सचर होता है वो ऐसे इकट्ठा नहीं रहता, खुला खुला सा रहता है, तो बिल्कुल वैसा ही चाहिए हमें। पनीर के साथ कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है, तो मैं वो ऐड कर रही हूँ। बस इसको एक हल्का सा मिक्स कर देंगे। बस ये रेडी है, एकदम तैयार है। वैसे राइस के साथ ये वाला रेसिपी तो आइडियल नहीं है, रोटी के साथ पराठे के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, पर कोई बात नहीं, हम बंगाली हैं, हम कुछ भी राइस के साथ खा सकते हैं। और इसको मैं ढक के रख दूंगी 2-3 मिनट स्टैंडिंग टाइम, ताकि कसूरी मेथी वाला फ्लेवर इसके अंदर अच्छे से आ जाए। अभी मैं बनाऊंगी नीम बैंगन। ये बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है। बचपन में जब मेरी मम्मी घर पे ये सब कुछ बनाती थी ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं सोचती थी फिर से वही कड़वी चीज़ खानी पड़ेगी। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया, फिर ये बैंगन उसमें ऐड कर दिया, फिर नमक और हल्दी, उसके साथ इसको थोड़ी देर फ्राई करना है जब तक 80% कुक ना हो जाए। उसके बाद मैं इसमें ये नीम का पाउडर ऐड करूँगी। नीम का पाउडर तो आप बहुत आसानी से घर पे बना सकते हो, माइक्रोवेव करके भी बना सकते हो और धूप में सुखा के भी। बस अभी जैसे ये बैंगन पूरी तरीके से कुक हो जाए, ये डिश तैयार हो जाएगा।
ये रहा उमा का लंच। आज मैंने उमा के लिए अलग से गोविंद भोग राइस नहीं बनाया है, जो राइस हम खाते हैं वही लिया है। साथ में मैंने उसको थोड़ा सा फिश करी दिया है। इसमें मैंने वेजीज ऐड किया है, आलू है, गाजर है, और गाजर दिख नहीं रहा होगा नीचे की तरफ है, थोड़ा सा टमाटर भी ऐड किया था, वही मिर्ची कम डाला है ताकि उमा खा पाए। बाकी नॉर्मल हमारे लिए जैसे बनता है वैसे ही बनाया है। उमा के लिए मैं अभी ओट्स बना रही हूँ। ये प्रेशर कुकर में बना रही हूँ क्योंकि जिस पैन में मैं बनाती हूँ ना, ये देखिए जल के क्या हालत है इसकी। इसमें मैंने ऑलरेडी ओट्स बिठा दिया था, फिर बिठा के ना अचानक से एक कॉल आया तो मैं रिसीव करने चली गई और बाद में मैं भूल ही गई कि गैस पे मैंने ओट्स बिठाया है और पूरा जल गया है। तो अभी मैं इसी में बना रही हूँ, और इसमें ना मैंने और थोड़ा पानी ऐड करके और डिश वॉशिंग लिक्विड के साथ इसको ऐसे चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इतना ज़्यादा जल गया था ना कि गर्म पानी से भी अच्छे से नहीं निकला, थोड़ा थोड़ा लगा हुआ था, तो उसको निकालने के चक्कर में इसके ऊपर आज स्क्रैच आ गया है। नए बर्तन में ऐसे स्क्रैच आता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रिसेंटली सौरभ पाम जो मेरा गया था ऑफिस के काम के सिलसिले में, और उस दिन ना सौरभ ने पहली बार कुछ नया एक्सपीरियंस किया वहाँ पे, तो वो वाला स्टोरी मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और पाम जो मेरा जाने के लिए अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना चाहते हो तो कैसे आपको वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना है और कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहेगा पाम जो मेरा जाने का, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल, और आप लोगों से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।